आप सबको आजादी वाधवा का एक बार फिर से नमस्कार। एक बार एक विद्यार्थी मेरे पास आया और उसने कहा कि सर मुझे ये बताइए कि मेरे MBA के एडमिशन टेस्ट में हैदराबाद में इंस्टीट्यूट ने मुझसे पूछा कि पप्पू कान डांस इसको एक्सप्लेन करो, तो मैं तो कुछ समझ ही नहीं पाया। मैंने ये कह दिया कि एक हिंदी पिक्चर का गाना है पप्पू कान डांस। तो सर ये MBA के क्वेश्चन मुझसे क्यों पूछा गया? तब मैंने कुछ क्षण सोचा और मैंने कहा कि मुझे जो समझ में आता है इसका जवाब ये है कि जीवन में हम जो भी काम करते हैं वो एक नाच के बराबर है। हम बचपन में पैदा होते हैं, थोड़े बड़े होते हैं तो स्कूल जाते हैं, स्कूल कॉलेज, फिर नौकरी की तलाश, फिर नौकरी करते हैं तो नौकरी में बॉस की बात, ऑफिस की रिस्पॉन्सिबिलिटीज, फिर शादी हो जाती है पत्नी, फिर बच्चे, फिर जिम्मेवारी, घर परिवार की जिम्मेवारी, घर ठीक से चलाना, फिर मकान बनाना, बच्चों को पढ़ाना, फिर बच्चों की शादियां करना। हम फिर बूढ़े होते जाते हैं, सुबह होती है, शाम होती है, जिंदगी यूं ही तमाम होती है। हम जिंदगी भर कोशिश करते हैं हम एक अच्छा विद्यार्थी बने, एक अच्छा बच्चा बने, एक अच्छा युवक बने, एक अच्छा पति बने, एक अच्छा पिता बने, एक अच्छे चाचा बने और एक पूरे परिवार को साथ लेकर चलें, सबके परिवार की इच्छाएं पूरी करें, बच्चों को अच्छा खाना दें, अच्छी शिक्षा दें, उनको अच्छी बुक्स दें, उनके लिए उनके जो डिमांड है छोटी मोटी कि साइकिल ले दो पापा या कार ले दो पापा या हमें यहाँ घुमा दो पापा, उनको पूरा करें, पत्नी के रिश्तेदारों के शादियों के खर्चे। तो जीवन भर हम नाचते रहते हैं, हम दूसरों के इशारों पर, दूसरे के हुक्म पर या अपने जीवन की जरूरतों को पूरा करने के लिए हम नाचते रहते हैं। जो आदमी जीवन में जितना अच्छा नाचेगा, जो इस नाचने की तैयारी बहुत अच्छे से करेगा, जीवन में अच्छे से नाचेगा, वो सफल होगा। और जो इस नाच को ठीक से नहीं कर पाएगा, नौकरी ठीक से नहीं कर पाएगा, पढ़ाई ठीक से नहीं कर पाएगा, परिवार को ठीक से नहीं संभाल पाएगा, वो जीवन में फेल हो जाएगा, पप्पू बनकर रह जाएगा। पप्पू का कहने का मीनिंग होता है जो जीवन में कुछ ज्यादा ना कर पाया हो। तो पप्पू कान डांस का मैंने उसे बताया कि इसका मीनिंग तो मुझे यही समझ में आता है कि अगर आप पप्पू बने रहेंगे तो जीवन में कभी भी कोई काम बड़ा अच्छा नहीं कर पाएंगे। इसका पप्पू मत बनिए, जीवन में परफेक्शन लाइए। अगर आपने MBA किया है तो अपने सब्जेक्ट्स पर अच्छी नॉलेज रखिए। अगर आपने इंजीनियरिंग किया तो अच्छा इंजीनियर बने। अगर आपने शादी किया तो अच्छा पति बने। अगर आप किसी कंपनी में नौकरी करते हैं तो एक अच्छा एम्प्लॉय बने। अगर आप अपना बिजनेस करते हैं तो अच्छा बिजनेसमैन बने, अपने एम्प्लॉय का, कस्टमर का, सारे स्टेक होल्डर्स का ध्यान रखें। अगर मैं सरकारी नौकर हूं तो मुझे सरकार की चिंता करनी है, देश की चिंता करनी है और अपना काम ईमानदारी से करना है। अगर मैं एक बेटा हूं तो मुझे अपने माँ बाप का ध्यान अच्छे से रखना है, बुढ़ापे में उनकी लाठी बनना, उनके सहारा बनना है। यानी मुझे जो भी काम करना है मैं परफेक्टली करना है। मैं अगर परफेक्टली नहीं करूंगा तो मैं जीवन में अच्छे से, मेरा जीवन जो मुझे नचा रहा है मैं अच्छे से नाच नहीं पाऊंगा। तो जो भी ये इसका कहने का मीनिंग ये हुआ कि अगर हम पप्पू बने रहेंगे तो जीवन में कुछ अच्छा काम नहीं कर पाएंगे, हमें जीवन में परफेक्शन लाना है। अभी डॉक्टर रामदयाल मुंडा हमारे झारखंड के प्रसिद्ध जो एक शिक्षक थे, विद्वान थे, हमने उनका जन्मदिन मनाया और उसमें भी जो शीर्षक था उनके जन्मदिन का इस वर्ष का वो था नाची से बाची, यानी जो अच्छे से नाचेगा वही बचेगा। तो जो पप्पू बना रहेगा, हम पप्पू बने रहेंगे, हम ना अच्छा काम करना चाहेंगे, हम चाहेंगे सब चीजें हमको घर बैठे मिल जाए, ना हम अच्छा विद्यार्थी बनेंगे, ना हम अच्छा नौकर बनेंगे, ना अच्छे हम अच्छा शिक्षक बनेंगे, ना हम अच्छा कर्मचारी बनेंगे, ना अच्छा पति बनेंगे, ना अच्छा भाई बनेंगे, तो जीवन पप्पू बने रहेंगे, कोई काम भी परफेक्ट से नहीं कर पाएंगे, हम जीवन में फेल हो जाएंगे। तो मैं आप सब यंग विद्यार्थी मुझे सुन रहे हैं, मैं आप सबसे यही कहना चाहूंगा कि जीवन पप्पू मत बनिए, जीवन परफेक्शन, मिस्टर परफेक्ट बनिए। 100% परफेक्शन जरूरी नहीं है, पर जो भी काम करिए उसमें अपना 100% दीजिए। जब पढ़ रहे हैं तो उसको 100% दीजिए, जब आप घर की काम कर रहे हैं तो उसमें 100% दीजिए, जब आप नौकरी कर रहे हैं तो उसमें 100% दीजिए, जब रिश्तेदारी निभा रहे हैं रिश्तों में 100% दीजिए, अपनी पत्नी के साथ, बच्चों के साथ, दोस्तों के साथ, रिश्तेदारों के साथ अपना 100% दीजिए, तभी आपका जीवन सफल होगा और आप अच्छे से इस जीवन का जो संघर्ष है उसको पार कर पाएंगे, या दूसरे शब्दों में कहूं कि जीवन में अच्छे से नाच पाएंगे। तो पप्पू मत बनिए, पप्पू कैन नॉट डांस, वी हैव टू बिकम परफेक्ट और तब हम जीवन के नृत्य को अच्छे से कर पाएंगे। धन्यवाद।